Hi guys, welcome or welcome back to my channel Kusum's Corner. I hope you all are doing great. So, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि आज मैं आपके साथ मीशो फेस्टिवल स्पेशल हॉल शेयर करने वाली हूँ एंड इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ज्वेलरी के पीसेस, कुर्ती है, कुर्ती सेट्स हैं एंड एक दो कुर्ती सेट्स रेगुलर वे के भी होने वाली है जिन्हें आप कॉलेज में, ऑफिस में या चाहो तो घर पर भी पहन सकते हो एंड क्योंकि सभी चीज़ें मीशो से हैं तो काफ़ी अफोर्डेबल होने वाली है जिन्हें आप ईजिली बाय कर सकते हो और काफ़ी कलरफुल चीज़ें हैं और इस बार मैंने सॉलिड एंड प्रिंट्स दोनों ही रखे ताकि जिसे जो भी पहनना पसंद है वो बाय कर सके और सभी को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। क्लासिक एंड ट्रेंडी दोनों ही तरह के कुर्ती सेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे तो अगर आपको ये बाय करनी है, आपको पसंद आते हैं तो इन सभी के जो डायरेक्ट परचेजिंग लिंक है मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज pink.brownie। और अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पर ये ज्वेलरी। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्टेटमेंट इयररिंग्स। ये जो इयररिंग्स है ना मैंने हर वेबसाइट पर देखे थे लेकिन जब मेरी नज़र इस कलर पर गई ना तो मैंने ये तो मुझे चाहिए क्योंकि ये मेरे हर वाइब्रेंट कलर के कुर्ती सेट के साथ काफ़ी अच्छे से फिट होंगे और ये इतना प्यारा कलर है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, खुद ही देख लीजिए। तो ये है लाइलैक कलर का कुछ इस डिज़ाइन में स्टेटमेंट इयररिंग्स। ये देखिए, ये आपने भी ज़रूर देखे होंगे। तो मेरे पास जो इस वक्त भी कलर है उनके साथ भी काफ़ी अच्छे से मैच होने वाला है तो इसलिए मैंने बाय किए थे। और एक तो ना इनकी फिनिशिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और सिंगल स्टोन या फिर मोती निकला हुआ नहीं है और जो कलर है ना वो ज़्यादा लाउड नहीं है, काफ़ी सटल कलर दिया हुआ है तो इसलिए आंखों को चुभेगा नहीं। और साइज़ भी मुझे एकदम परफेक्ट लगा, इतने लॉन्ग इयररिंग्स में इतना साइज होना चाहिए और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है और काफ़ी वाइब्रेंट कलर के कुर्ती सेट के साथ ही काफ़ी अच्छे से मैच हो जाएगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, सच में काफ़ी लाइट वेट है इसके साइज़ के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट जो मैं ज्वेलरी आपको दिखाने वाली हूँ वो एक चूड़ा है या फिर कड़ों का सेट है। ये मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है, ये मैं आपके सामने ही ओपन करने वाली हूँ। सो ये कुछ इस तरह का, वाओ, जितना ये अफोर्डेबल है ना उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो, मतलब क्या सेट है और इतना लाइट वेट है यार ये, क्या किस मटेरियल से बना हुआ मुझे नहीं मालूम। ये भी मेरे पास पहले से सेट है, ये वाले कड़े हैं और वो काफ़ी हैवी है लेकिन ये तो बहुत लाइट वेट हैं, पता नहीं किस मटेरियल के हैं लेकिन जो भी है सेट बहुत सुंदर है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग तो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो वर्थ बाइंग ये सेट है, आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई करके देखना। और ये आपको इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में सिक्योर तरीके से अच्छे से पैक होकर मिलने वाला है और इसमें आपको 2, 4, 2, 6 और 2, 8 साइज़ मिल जाएंगे। तो अगर आपका इनमें से कोई साइज़ है और आपको पसंद आए तो बाय कर सकते हो। ये आपको ओनली 265 रुपीज़ में दोनों हाथों का कंप्लीट सेट मिल जाएगा। सो मैं तो इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। और अब मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी कुर्ती दिखाने वाली हूँ जो है ब्लैक कलर में और इसके ऊपर ये इतना सुंदर सा कश्मीरी वर्क किया गया है। इस तरह की कुर्ती मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ क्योंकि वो मैं इतनी पहनती तो मैंने सोचा एक और ज़रूर मुझे ट्राई करके देखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी काम आती है और इसे आप किसी भी कलर के बॉटम के साथ पहन सकते हो। सो ये है इसकी नेक लाइन, आई थिंक दीपक नेक लाइन है और ये नेक लाइन है, काफ़ी सुंदर लगती है और उसके नीचे ब्यूटीफुल सा कश्मीरी वर्क दिया गया है। ये देखिए, वैसे ये हैंडवर्क नहीं, ये मशीनी वर्क है लेकिन आप देख सकते हो कितनी सफाई के साथ ये किया गया है और ब्लैक कलर के ऊपर तो सारे कलर काफ़ी सुंदर लगते हैं। बाकी नीचे से ये कुर्ती प्लेन है और इसकी हेमलाइन पर सिर्फ फ्रंट में आपको मिल जाएगी इस तरह की ये डिटेलिंग, ये वर्क है और बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है और ये रेयन फैब्रिक में है, काफ़ी सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, समर सीजन के लिए एकदम परफेक्ट। और ये है इसकी 3/4 स्लीव्स, स्लीव्स के एंड में ये देखिए इस तरह की ये बेल बनाई गई है और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इसे आप विदाउट स्लिप आराम से पहन सकते हो। और इसमें मेरा साइज़ है डबल एक्सल क्योंकि इस तरह की कुर्तियों में ना मैं एक साइज़ बड़ा बाय करती हूँ क्योंकि लूज़ फिट में ज़्यादा सुंदर लगती है और जितनी लूज़ होगी उतनी ही कंफर्टेबल रहेगी इस तरह के समर सीजन में। और वैसे भी मक्खन जैसे फैब्रिक में है तो आपको पहन के मज़ा आ जाएगा और इसे आप कॉलेज में, ऑफिस में, फेस्टिवल्स में, शॉपिंग के लिए कहीं बाहर जाए तो वहाँ पर पहन सकते हो तो ये काफ़ी काम आने वाली कुर्ती है। और अब बढ़ते हैं एक और रेगुलर वेयर की कुर्ती सेट की तरफ जो है कुछ इस तरह का स्ट्राइप पैटर्न में। ये जो पैटर्न है ना मुझे इतना पसंद है, चाहे किसी भी कलर में हो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ और इसका फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। इसे मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है लेकिन मैंने इसे बाय किया है डबल एक्सल साइज़ में क्योंकि
जो इस तरह के कुर्ते होते हैं ना उसमें भी मैं एक साइज बड़ा ही बाय करती हूँ। वैसे भी मुझे लूज फिट आजकल ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, तो जितना लूज होगा उतना ही कम्फर्टेबल। तो ये है कुछ इस तरह के वाइट एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में, इसमें आपको वी नेक लाइन मिल जाएगी एंड कॉलेज में ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट पीस है क्योंकि काफ़ी सटल है लेकिन लगता काफ़ी स्टाइलिश है। तो ये नीचे से ना इसमें इस तरह की राउंड हेम लाइन आपको मिल जाएगी और इस तरह से क्रोशेड का वर्क भी इसके सिर्फ फ्रंट में किया गया है। ये देखिए 3 stripes इसमें ये बनाई गई हैं एंड आई थिंक ये जो वर्क है इसकी नेक लाइन पर भी किया गया है और सेम स्लीव्स के एंड में। इसमें आपको ये शॉर्ट स्लीव्स मिल जाएंगी और बैक में भी सिर्फ आपको ये पैटर्न मिलेगा, कोई वर्क नहीं है। और आई थिंक क्योंकि लाइट कलर में है तो इसके नीचे ना आप इनर वेयर का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसके साथ दिया गया है ये प्लाजो। प्लाजो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं ट्राउज़र से और इसमें पार्शियल इलास्टिकेटेड वेस्ट पैंट है। और कमाल की बात ये है कि इसमें दोनों तरफ ये पॉकेट दी गई है, फैब्रिक अच्छा है, पैटर्न काफ़ी स्टाइलिश है और दोनों तरफ पॉकेट है और क्या चाहिए। और इसमें आपको फ्रंट में इस ड्रॉ स्ट्रिंग मिल जाएगी जिसे आप टाइट कर सकते हो एंड नीचे से ये कुछ इतने वाइड लेग का प्लाजो, स्ट्रेट प्लाजो है और इसमें भी ये सेम वर्क किया गया है। तो सच में कॉलेज एंड ऑफिस के लिए तो इससे बढ़िया पीस हो ही नहीं सकता और ये इतना अफोर्डेबल है कि इसे आप घर पर भी पहन सकते हो। एंड इस तरह के वर्टिकल स्ट्रैप्स वाले जो पैटर्न्स होते हैं ना वो आपको लंबा होने का इल्यूजन देते हैं। सो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती सेट की तरफ। सो नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल मेहंदी ग्रीन कलर का प्रिंटेड ए लाइन कुर्ती सेट। ये जॉर्जेट फैब्रिक में है, इसमें मेरा साइज एक्सेल है, ये मुझे परफेक्टली आ रहा था और ये मैंने लास्ट वीडियो में पहना था। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये मैंने कहाँ से बाय किया है, तो ये मैंने मीशो से बाय किया है और इसका कलर एंड ये जो प्रिंट है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा ये भी एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। सो इसमें दी गई है वी नेक लाइन एंड पीछे का जो नेक है ना राउंड नेक है और काफ़ी मतलब काफ़ी तो नहीं लेकिन अच्छा खासा डीप है, लेकिन इतना नहीं कि आप पहन ना पाओ। इसीलिए इसमें ये दो डोरी लगाई गई है, एक्चुअली दो दो डोरी दोनों तरफ इस तरह से लगाई गई है और नीचे की तरफ ये टैसल्स भी दी गई हैं। बाकी ऑल ओवर कुर्ती में आपको ये फ्लोरल प्रिंट देखने को मिलेगा, ये कलरफुल प्रिंट इसमें किया गया है और एम्पायर लाइन पर कुछ इस तरह से ना ये बड़ी बड़ी प्लीट्स बनाई गई हैं दोनों तरफ, तो इसमें अच्छा सा फ्लेयर इस वजह से आ रहा है। एंड अंदर की तरफ आपको ये लाइनिंग भी मिल जाएगी और ये जो लाइनिंग है हाँ एंड तक ही की गई है। सो ये थी कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल सी कुर्ती, इसमें कहीं कोई वर्क नहीं है, सिर्फ इस कलर और ये प्रिंट का ही कमाल है। और ये है इसकी 3/4 sleeves, प्रिंट देख रहे हो आप कितना सुंदर है। तो इसका जो फैब्रिक है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस इस कुर्ती में मुझे हल्की सी जो कमी लगी है ना, जो आप अगर चाहो तो ठीक करवा सकते हो, वो जो इसकी प्लेट्स है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, थोड़ी ऊपर से ही स्टार्ट होती ना तो ज़्यादा सुंदर लगती, बस इसमें मुझे ये कमी लगी। बाकी इसका जो कलर और प्रिंट है वो तो लाजवाब है। और इसके साथ ये ट्राउज़र दिया गया है, ये भी मुझे परफेक्टली आ गया था, बिल्कुल भी टाइट नहीं था और इसमें पार्शियली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड दी गई है और आई थिंक ये पोलिएस्टर या फिर रेयन फैब्रिक में है लेकिन सॉफ्ट फैब्रिक है, गर्मी तो आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। और ये ना हाँ पैंट स्टाइल का ट्राउज़र ज़रूर है लेकिन रिलैक्स फिट में है तो बिल्कुल भी टाइट नहीं रहने वाला है, तो जिनका टम्मी भी है तो वो भी इसे आराम से पहन सकते हैं। और ये इसका शिफोन फैब्रिक का दुपट्टा, दुपट्टा भी मेहंदी ग्रीन कलर का है और कहीं कोई वर्क नहीं है, लेकिन एंड में आपको ये क्रोशेट की इतनी ब्रॉड लेस मिल जाएगी। 2 meter का दुपट्टा लेकिन इसकी जो विड्थ है वो है इतनी, देख रहे हो। तो ये था कंप्लीट कुर्ती सेट फेस्ट और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और ब्यूटीफुल से पार्टी वेयर कुर्ती सेट की तरफ। एंड ये भी 3-piece अनारकली कुर्ती सेट है, वो भी इतने सुंदर से कलर कॉम्बिनेशन एंड प्रिंट में और ये रेयन फैब्रिक में है, तो इसलिए आप समर सीजन के किसी भी स्मॉल गेट टुगेदर में फेस्टिवल में इसे पूरे दिन आराम से पहन सकते हो क्योंकि ये जो फैब्रिक है काफ़ी ठंडा रहता है, कहीं से चुभता नहीं है, काफ़ी आरामदायक होता है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये अनारकली कुर्ती और इसमें मेरा साइज है एक्सेल, ये मुझे परफेक्टली आ रहा था। और ये है इसकी राउंड नेक लाइन एंड योक में ब्यूटिफुल थ्रेड एंड सीक्वेंस का वर्क किया गया है एंड बहुत सुंदर लग रहा है। और ये यहाँ तक है और एम्पायर लाइन से स्टार्ट हो जाती है कलिया एंड पूरी कुर्ती में आपको इस तरह का प्रिंट देखने को मिलेगा और गोल्डन फॉइल प्रिंटिंग भी पूरी कुर्ती में की गई है और इसीलिए इसमें इतनी प्यारी शीन आ रही है। तो इसे आप डे एंड नाइट दोनों ही तरह के फंक्शन में पहन सकते हो और इसकी हेमलाइन पर सिर्फ फ्रंट में आपको इस तरह की लेस मिल जाएगी। ये देखिए इसमें सीक्वेंस एंड थ्रेड वर्क है और ये जो सेम लेस है ना स्लीव्स के एंड में भी लगाई गई है और ये 3/4 sleeves हैं। सो ये मुझे आती है काफ लेंथ तक की और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और नहीं कहीं से चुभ रही है।
और इसके साथ दिया गया ये सॉलिड ब्लू कलर का ट्राउजर, ये भी रेयन फैब्रिक में है, फैब्रिक इसका भी काफी सॉफ्ट है एंड फुल्ली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है, ये मुझे परफेक्टली आ गया था, बिल्कुल भी टाइट नहीं था। और ये है इसका शिफोन फैब्रिक का दुपट्टा, ये देखिए कुछ इस तरह का ना प्रिंट इस पूरे दुपट्टे में किया गया है एंड दोनों कॉर्नर्स पे ये टेम्पल लेस भी दी गई है, ये देखिए विड्थ इसकी एकदम परफेक्ट है, लेंथ भी, तो ये आपको बिल्कुल भी छोटा नहीं रहने वाला है। और इसमें मेरा साइज था एक्सेल, कुर्ती एंड ट्राउजर जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही परफेक्टली मुझे आ गए थे, तो जो भी आपका एक्यूरेट साइज है ना वही इस कुर्ती सेट में आप बाय कीजिएगा और ये आपको मिल जाएगा ओनली 750 रुपीज के अराउंड। और अब बढ़ते नेक्स्ट एक और पार्टी वेयर कुर्ती सेट की तरफ। सो ये है ब्यूटीफुल पार्टी वेयर 3-piece स्ट्रेट फिट कुर्ती सेट और ये सिल्क ब्लेंड फैब्रिक में है और कलर तो आप देख रहे हो कितना सुंदर है और इस फैब्रिक में भी ना इतनी प्यारी शीन आ रही है, तो इसे आप किसी भी फेस्टिवल में और पार्टी फंक्शन में पहन के जा सकते हो। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये कुर्ती, तो ये है इसकी नेक लाइन और उसके नीचे योक में ब्यूटीफुल सा जरी का एंड सीक्वेंस वर्क दिया गया है एंड कितनी फिनिशिंग के साथ है ये आप खुद ही देख सकते हो। एंड एंड में भी नीचे की तरफ आपको छोटी छोटी बूटियां मिल जाएंगी और इसमें जो लाइनिंग है ना फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ सिर्फ यहाँ तक दी गई है, उसके नीचे लाइनिंग नहीं है और आप देख भी सकते हो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि इसमें छोटी छोटी बूटियां हैं तो कहीं से चुभने वाली नहीं है, जहां पर चुभने वाला वर्क था वहां पर ये लाइनिंग दे दी गई है। और ये इसकी 3/4 स्लीव्स और स्लीव्स के एंड में ये देखिए इतनी सुंदर सी लेस इन्होंने लगाई है और आई थिंक एंड में और कोई वर्क नहीं है। और बैक है इसकी बिल्कुल प्लेन और ये है इसका ट्राउजर, हाँ ट्राउजर ही है जिसमें फुल्ली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है और ये भी काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है और ये मुझे परफेक्टली आ गया था, देखिए नीचे से कोई वर्क नहीं है और ये इतने वाइड लेग का ट्राउजर है, काफ़ी स्मार्ट पैंट है। और ये है इसका जकार्ड का दुपट्टा, ये देखिए ये है स्टोल टाइप का लेकिन फिर भी इतनी विड्थ इसमें आपको मिल जाएगी तो ये बिल्कुल भी छोटा नहीं रहने वाला है और इसमें सीक्वेंस वर्क भी किया गया है, ये देख रहे हो आप ऐसे और ये इस तरह से बूटे बनाए गए हैं सेंटर में एंड कॉर्नर्स में कुछ इस तरह का वीविंग वर्क है और चारों तरफ इसमें आपको ये टेसल्स भी मिल जाएंगी। तो ये फुल लेंथ का दुपट्टा है, शाइन देख लो कितनी प्यारी सी शाइन इसमें से आने वाली है, तो ये था कंप्लीट कुर्ती सेट, मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ, सच में इतना सुंदर ये लग रहा था। और हाँ ये जो स्टेटमेंट इयररिंग्स है ना इसके साथ आप देख सकते हो कितनी परफेक्टली मैच कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने बाय किए थे। सो ये भी अगेन 3-piece पार्टी वियर स्ट्रेट फिट कुर्ती सेट है सिल्क ब्लेंड फैब्रिक में और कलर तो आप देख ही रहे हो और उसके ऊपर से ये जो वर्क इसमें किया गया है ना ये हैंड वर्क है और इतना सुंदर लग रहा है। और इसके साथ भी ये जो स्टेटमेंट इयररिंग्स हैं ये इतने ये देख सकते हो कमाल के लगने वाले हैं, ये जो कलर कॉन्ट्रास्ट बैठ है ना ये इतना सुंदर लगने वाला है, तो इसीलिए जो इयररिंग्स मैंने बाय की थी ताकि इन सब के साथ मैं इसे पहन पाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये कुर्ती, तो ये इसकी नेक लाइन और सेंटर में तो ये इस तरह से ये डिटेलिंग की गई है, ये लूप्स बनाए गए हैं यहाँ तक एंड इस तरह का वर्क इसमें किया गया, ये सिप्पी कटदाने का सीक्वेंस एंड घोटा पट्टी का वर्क किया गया है, ये देखिए और ये यहाँ तक है इस तरह से यू शेप में, बाकी नीचे की तरफ से भी ये छोटा छोटा हल्का हल्का वर्क आपको मिल जाएगा, ये देखिए और इसमें लाइनिंग भी अंदर की तरफ अटैच की गई है फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ और ये आप देख सकते हो यहाँ तक ये लाइनिंग दी गई है, तो ये जो वर्क है आपको बिल्कुल भी नहीं चुभने वाला है एंड बैक से है ये बिल्कुल प्लेन, तो ये जो सेट है ना मुझे बहुत सुंदर लगा। हाँ ये कहीं कहीं से चुभ रहा था लेकिन अगर आपको इतनी सी अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो ये सेट ना आप ज़रूर ट्राई करना। और ये सेम सेट आपको मिंत्रा पर भी मिल जाएगा लेकिन वहाँ पर काफ़ी कॉस्टली दिया गया है, बट मीशो पर ये आपको 980 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा और मिंत्रा पर इसे डबल से भी ज़्यादा प्राइस में होगा, तो यस आपकी चॉइस है कहाँ से आपको बाय करना है। एंड ये है इसकी 3/4 स्लीव्स, स्लीव्स के एंड में कोई वर्क नहीं है एंड इतनी प्यारी शीन इस फैब्रिक में भी आपको मिल जाएगी, तो ये तो सच में मस्ट बाय है। बस हाँ एक ही चीज़ का ध्यान रखना, कहीं कहीं पर ये मुझे चुभ रहा था अंदर से, बस और कोई कमी मुझे इसमें लगी नहीं। और ये है इसका सुंदर सा दुपट्टा, ये भी जकार्ड में दुपट्टा है और इसमें भी कुछ इस तरह का वर्क ये देखिए किया गया है, पूरा वीविंग वर्क इस दुपट्टे में किया गया है और एंड से है कुछ इस तरह का वर्क और इसके भी चारों तरफ ये टेसल्स लगाई गई हैं,
तो ये था दुपट्टा, ये भी स्टोल टाइप का दुपट्टा, लेकिन अच्छी खासी विड्थ इसमें भी दी गई है, लेंथ एकदम परफेक्ट है, तो ये बिल्कुल भी छोटा नहीं रहेगा। और ये है इसका ट्राउजर सिल्क ब्लेंड फैब्रिक में अगेन, और फुल्ली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है, कहीं कोई वर्क नहीं है। ये मुझे परफेक्टली आ गया था, बिल्कुल भी टाइट नहीं था, और इसमें भी मेरा साइज एक्सेल है, ये मुझे पूरा ही सेट एकदम परफेक्टली आ गया था। तो जो भी आपको एक्यूरेट साइज है ना, वही इसमें बाय कीजिएगा। तो अब बढ़ते नेक्स्ट एक और कंप्लीट पार्टी वेयर कुर्ती सेट की तरफ, एंड इसका रिटर्न मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ये आज इवनिंग में ही मुझे रिसीव हुआ था, तो कल अर्ली मॉर्निंग मुझे इसका रिटर्न करना पड़ेगा, तो आपको तो पता चल जाएगा और रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा कि इसकी फिटिंग कैसी है, ये लेंथ कैसी है, फैब्रिक कैसा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सो ये एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक का कंप्लीट अनारकली कुर्ती सेट है, और ये पर्पल कलर का है प्रिंटेड कुर्ती सेट, तो ये एक ब्रांडेड कुर्ती सेट का रेप्लिका है, जी हाँ, क्योंकि वरना ये इतना अफोर्डेबल नहीं होता। बाकी अगर ये एग्जैक्ट वैसा ही हुआ तो मज़े ही आ जाएंगे, क्योंकि मीशो पर ये आपको 500 से 600 रुपए कम में मिलेगा, तो जहाँ पे हमें फ़ायदा होगा, और अगर सेम है तो वहीं से तो हम बाय करेंगे, है ना। सो ये है इसका राउंड नेक, ये फ्रंट का है, और बैक में हल्का सा डीप नेक मिलेगा, इसीलिए ये दो डोरी दी गई है इस तरह की टेसल्स के साथ। सो योक है कुछ इस तरह की, जिसमें ये फ्लोरल प्रिंट किया गया है, और एम्पायर लाइन से स्टार्ट हो जाती है कलियाँ, जितना अभी मुझे नज़र आ रहा है इसमें अच्छा खासा फ्लेयर दिया गया है, ये देखिए। तो सेंटर से कुछ इस तरह का प्रिंट है, लाइट एंड डार्क पर्पल, और एंड से आपको सेम फ्लोरल प्रिंट मिल जाएगा, और बैक एंड फ्रंट से दोनों सेम है, ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी बैक है, और अंदर की तरफ लाइनिंग दी गई है इसमें, और एंड में जो हेमलाइन है ना उसमें ये बुकरम लगाई गई है, तो ये स्टिफ है और एक अच्छा सा स्ट्रक्चर इसमें बनता है, दोनों में सेम ही है। सो ये थी कुछ इस तरह की ऑर्गेन्जा फैब्रिक की कुर्ती। इसका फैब्रिक ना फील करने में तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, तो मुझे लग रहा है अच्छा है, और ये पैडेड है, हाँ ये पैडेड कुर्ती है, तो जिन्हें अंदर इनरवेयर नहीं पहनी है तो अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ये बाय कीजिएगा। बाकी अगर मैं इसमें बाय करूँगी तो लार्ज साइज मुझे, अगर इनरवेयर नहीं पहने तो लार्ज साइज मुझे परफेक्टली आ जाएगा, बट हाँ इसका ट्राउजर फिर टाइट हो जाएगा, तो मैं तो एक्सल साइज ही बाय करती हूँ। और ये है इसका ट्राउजर सॉलिड पर्पल कलर का, इसमें फुली इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड है, इसका फैब्रिक मुझे सॉफ्ट लग रहा है और लग रहा है कि मुझे अच्छे से आ जाएगा, टाइट नहीं रहने वाला है, बाकी इसमें कहीं कोई वर्क नहीं है। और ये है इसका दुपट्टा, ये भी आई थिंक ऑर्गेन्जा फैब्रिक का ही है, मुझे लग रहा है कि ये सेम होगा, तो मीशो से बाय करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। मैंने सेम सूट बाय कर रखा है, लेकिन वो जो कलर मैंने बाय किया ना वो कहीं नहीं मिलता किसी भी वेबसाइट पर, वो सिर्फ मुझे वहीं मिला था। बाकी ये है इसका प्रिंटेड दुपट्टा, कॉर्नर से फ्लोरल प्रिंट है, एंड चारों तरफ ये टेम्पल लेस इसमें लगाई गई है, और ये फुल लेंथ एंड विड्थ का दुपट्टा है। सो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बाकी फिटिंग मुझे लग रहा है जहाँ तक ये अच्छी ही आने वाली है। और अब बढ़ते हैं आज के लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट कुर्ती सेट की तरफ, एंड ये अगेन ब्यूटीफुल लहरिया प्रिंट का ब्लू कलर का कंप्लीट अनारकली कुर्ती सेट है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये अनारकली कुर्ती, और ये जॉर्जेट फैब्रिक में, फैब्रिक काफ़ी फाइन क्वालिटी का इसका मैं टर्न कर चुकी हूँ, और ये इतना सुंदर लग रहा था, क्या फ्लेयर है, एंड कहीं से चुभ नहीं रहा था, और ये भी पैडेड है, तो अगर आपको इसके पैड्स रखने हैं तो रख लीजिए, बाकी रिमूव भी करवा सकते हो। तो इसमें राउंड नेक दिया गया है, ये देखिए इतना नेक है, एंड बैक से हल्का सा डीप है फ्रंट नेक से, और इसमें इसीलिए दो डोरी के साथ ही ब्यूटीफुल से टेसल्स भी लगाई गई है। और बाकी पूरी कुर्ती में ये लहरिया प्रिंट आपको देखने को मिलेगा, कहीं कोई वर्क नहीं है, लेकिन सेंटर में ना इस तरह से पोटली बटन्स लगाए गए हैं, और अंदर की तरफ आपको अटैच लाइनिंग नीचे तक मिल जाएगी। और ये है इसकी चूड़ीदार स्लीव्स, ये देखिए, और इस कुर्ती में इतनी सारी कलियां दी गई है, और साथ में एंड में ना इसमें चारों तरफ बुकरम लगाई गई है, देखिए इस तरह से बुकरम लगाई गई है, तो इसीलिए इसका जो फ्लेयर है ना काफ़ी खिल के आता है। सो ये थी काफ लेंथ तक की जॉर्जेट फैब्रिक की कुर्ती, और ये है इसका सॉलिड ब्लू कलर का ट्राउजर, ये भी मुझे परफेक्टली आ गया था, एंड इसमें इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड दी गई है, बाकी कहीं कोई वर्क नहीं है, ये भी फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है, इसे आप आराम से पहन पाओगे। और ये है इसका दुपट्टा अगेन लहरिया प्रिंट का, और ये स्टोल टाइप का दुपट्टा है, और कुछ इतनी विड्थ है, थोड़ी सी और विड्थ तो ज़्यादा सुंदर लगता, बट ये भी कम नहीं है, और इसके चारों तरफ ये टेम्पल लेस लगाई गई है, ये देखिए,
लेंथ फुल है। इस कुर्ती सेट में मुझे कहीं भी कोई कमी लगी नहीं और ये भी 15 या फिर 1600 रुपीस के अराउंड आपको मिल जाएगा। रिव्यू एंड रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी दी गई थी, इसीलिए ये मैंने बाय किया था, क्योंकि सबसे पहले मैं देखती हूँ पिक्चर, जो पिक्चर नीचे दी गई होती है ना वो, और लोगों के रिव्यू एंड रेटिंग्स, तो वो देख कर ही मैं ज़्यादातर मंगवाती हूँ। बाकी आने के बाद जैसे लग रहा था वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये एवर ग्रीन प्रिंट है, इसका ट्रेंड कभी नहीं जाता है, तो एक क्लासिक पीस अगर आप बाय करना चाहते हो वो भी अफोर्डेबल रेंज में, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। सो ये थी आज की पूरी कलेक्शन, ये आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आई नो कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो कि क्या बाय करो और क्या नहीं, क्योंकि एक एक चीज इतनी सुंदर थी, चाहे वो स्टेटमेंट इयररिंग्स हो, चूड़े का सेट हो, या फिर ये अनारकली कुर्ती सेट्स। तो अगर आपको पसंद आते हैं, आप ये बाय करना चाहते हो, तो सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आगे आप क्या देखना चाहते हो वो भी जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।